नमस्कार, मैं प्रकाश, आप देख रहे हैं हस्तक्षेप न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ सचिवालय रोड पे। यहाँ पर हमने पहले ही मुद्दा उठाया था UPCL पिटकुल अवर अभियंता के 102 पदों का रिजल्ट जारी करने के संबंध में। इन्होंने अनिश्चितकाल धरना दिया था, अभी भी ये मौजूद है। आज सचिवालय कूच करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन शायद क्या बात हुई है और किस संबंध में इनको यहाँ पर रोका गया है, तो इसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे। जी, क्या है, आज सचिवालय कूच आप कर रहे थे, तो उसमें क्या आपको आज आपको संतावना मिली है इसमें? सर, हमको तो कुछ नहीं मिला है, पिछले बार की तरह यहीं से हमको वापस लौटा दिया गया है। अच्छा, इस बार ये बोला जा रहा है कि ज्ञापन दे दो, तो मतलब पिछले बार हमने ज्ञापन दिया, उसमें भी कोई प्रोसेस हो नहीं पाई। इस बार भी यही बोला जा रहा है कि ज्ञापन दे दो, तो हर बार हम ज्ञापन दें सर, यहाँ पर हमारी ना तो चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात होती है, ना सचिव से मुलाकात होती है, और ज्ञापन तो हम मुख्यमंत्री को कम से कम जो हमारे मुख्य अंसर हैं उनको भी कम से कम 6 बार ज्ञापन दे चुके हैं, और जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं उन्हें भी कम से कम 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं। तो हमसे ज्ञापन के अलावा मतलब वो घोषणाएं कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं हो रहा। अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो कुछ नहीं हो रहा है। ज्ञापन तो हमने कितने बार दे दिए हैं और इससे हमको कोई मतलब फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, अगर देखा जाए एक प्रकार से। अब हम ये चाहते थे कि आज हमारी कम से कम जो सचिव हैं, जो मतलब ऊर्जा की सचिव हैं, उनसे हमारी क्या हो जाए, बात हो जाए, उनके सामने हमारा पक्ष रखा जाए। जो 102 पद जो ये वित्त के आधार पर लटका दिए गए हैं, इनको जल्दी से जल्दी क्या कर दिया जाए, अनफ्रीज कर दिया जाए, और इस पर मतलब जल्दी जल्दी क्या दे दिया जाए, रिजल्ट दे दिए, रिजल्ट दे दिए, मतलब नियुक्ति नहीं, मतलब रिजल्ट दे दिया। पहले तो रिजल्ट आएगा तब नियुक्ति होगी, पर यहाँ तो कंडीशन ही कुछ है और है। यहाँ तो पहले शासन से अनुमति मिलेगी, फिर वो अनफ्रीज होंगी, तब जाके रिजल्ट आएगा। अब जब अनफ्रीज ही नहीं होगी, हमको 5 महीने हो चुके हैं इसमें भटकते भटकते, और हमको ये लगता है कि अब सिर्फ चुनाव के लिए 2 से 3 महीने रह गए हैं। अब जब 5 महीनों से हमको ऐसे घुमाया जा रहा है गोल 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 गोल, अब इसके बाद हम करेंगे क्या? क्योंकि अब हम कूच भी कर रहे हैं, उससे भी कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार बहरी हो चुकी है, बहरी मतलब कि हम यहाँ से चिल्लाते हैं, मेरी आवाज़ बैठ चुकी है चिल्ला चिल्ला के। अब हम चिल्ला रहे हैं फिर भी उनको सुनाई नहीं दे रहा है। मीडिया पे भी कम से कम, वो तो ये है कि मीडिया कम से कम कवरेज ले रही है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से हमारी कवरेज जा रही है, लेकिन उनके कान में फिर भी ये बात नहीं जा रही है। या तो फिर वो चैनल देखते ही नहीं है, या फिर उनका IT सेल वाले भी चैनल मतलब उनको भी पता नहीं है कि कौन सा मुद्दा क्या है, और बच्चे कितनी प्रॉब्लम में है। पिछले 5 महीनों से घूम रहे हैं, 18 दिन हमको धरने पे हो चुका है। आप भी हमारे पास कम से 2 से 3 बार आ चुके हो, आपको हम मतलब आपसे बात हो चुकी है इस बारे में, तो आप देख ही रहे होंगे स्थिति कितनी गंभीर है कि 18 दिन हो चुके हैं, 18 दिन से हम ऐसे जगह धरना दे रहे हैं जहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ पे सीवर मतलब लगा लो कि गटर है चारों तरफ, और इतनी गंदगी है वहाँ आदमी दिन भर बैठ नहीं सकता है। हम 18 दिन से वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब बैठने के लिए भी हमको पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि देखो वहाँ टेंट का देना पड़ता है, खाने का देना पड़ता है। कोई उत्तरकाशी से है, कोई रुड़की से है, कोई हरिद्वार से है, कोई पिथौरागढ़ से आ रखा है। हर एक बच्चा एक मिडिल क्लास फैमिली का है। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना खर्च के यहाँ पे रहेगा, उनको पैसे चाहिए। अब हमको क्या है, नौकरी के लिए भी हमको पैसा खर्च करना पड़ेगा, धरने के लिए भी हमको पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम धरने पे भी बैठते हैं तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, हमारे वहाँ भी अपने ही पैसे लग रहे हैं जेब से। अब हम करेंगे क्या, रोड पे आ रहे हैं तो यहाँ से बोल रहे हैं कि ज्ञापन दे दो, फिर DM सर करेंगे, अब हम DM के पास जाएंगे, फिर DM किसी और के पास भेजेंगे। हम कब तक घूमते रहे हैं मंत्रीगणों और DM से, हमको कुछ मतलब ये लग रहा है कि हमारा भविष्य तो क्या, पर जो आने वाली जो वैकेंसी है उनका भविष्य भी अधर में है। सिर्फ घोषणाओं करने से अगर सबको जॉबें मिल जाती तो आज 102 की स्थिति ये नहीं होती। एक तरफ तो 22,000 की बात करते हैं, और एक तरफ अगर बात करें ऊर्जा की, ऊर्जा में बात करते हैं कि 2025 पद आएंगे, लेकिन आएंगे क्या, इन 102 पदों का क्या होगा? क्योंकि जब उनको वेतन इनको वेतन देने के लिए पैसे नहीं उनके पास, तो 2025 वैकेंसी पे वेतन कैसे दे सकते हैं वो लोग? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि उत्तराखंड का युवा कितना परेशान है अपने भविष्य को लेकर। 102 पदों को अभी तक अनफ्रीज नहीं किया गया है। पीछे मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग युवा मौजूद हैं जो कि इस आस में यहाँ पर आस लगाए बैठे हैं कि सरकार प्रशासन इनकी कुछ ना कुछ सुनेगा, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी, आप कहाँ से हैं भाई साहब? सर, मैं उत्तरकाशी से हूँ। उत्तरकाशी से आप बड़े दूर से आप आए, 18 दिन से यहाँ पर धरने बैठे हैं, किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा अभी तक? सर, यहाँ पर पहली बात तो यह है कि हमारा यहाँ पर रहने का कोई ऐसा ठिकाना तो है नहीं। जी जी, हम पैसों में ही रह रहे हैं, मतलब होटल में रह रहे हैं बड़ी मुश्किल से। और सर, धरना स्थल पे जब हमें अपनी खाने पीने की व्यवस्था भी खुद ही करनी पड़ती है। इतनी हम 18 दिन से यहाँ पर इतनी समस्या झेल रहे हैं, पर प्रशासन तक हमारी आवाज़ तक नहीं पहुँच रही है। आज हमने ये फैसला किया है कि हम सचिवालय कूच करेंगे
और हम चाहते थे कि वित्त जो हमारे वित्त सचिव हैं और जो ऊर्जा सचिव हमारी सोजने मैडम हैं उनसे मिलने का हमारा एक हम चाह रहे थे कि उनसे हम एक बार मिलाया जाए हमें, परंतु यहाँ पर सर हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है कि हमें उनसे मिलने के दिया जा रहा है, और हमारी बात अभी तक प्रशासन तक हमारी बात ये पहुँचाई नहीं जा रही है कि हमें 102 जो पद हैं उन पर कुछ इस पर कुछ निर्णय लिया जाए। सर हमें ये 5-6 महीने हो चुके हैं, 5-6 महीने से हम सर ज्ञापन ही ज्ञापन दे रहे हैं और इसके अलावा कुछ हो नहीं रहा है। और सर ये भर्ती सर 2016 की है, आज हमें 5-6 साल हो चुके हैं इस पर एग्ज़ाम हुआ, दोबारा एग्ज़ाम हुआ है और सर इस पर 250 पदों पर पेपर हुआ था और सिर्फ 147 पदों का ही रिजल्ट जारी। ये जो 102 आप पदों को जो अनफ्रिज करने की आप बात कर रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम आपके कब हुए थे? सर ये हुआ था जनवरी 2021 में, 2021 रीग्जाम हुआ था इसमें, रीग्जाम हुआ था और इसका मई 26 मई 2021 को इसका रिजल्ट भी आया था और इसमें सिर्फ 147 पदों का रिजल्ट जारी किया गया, जबकि जो 102 पद हैं सर उस पर ये हमें बताया गया, बोला गया कि इन पर शासन से अनुमति लेते ही इस पर रिजल्ट जारी किया है। सर आज 5-6 महीने हो चुके हैं परंतु हमें इस पर कोई भी कार्रवाई दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है, हम सिर्फ इधर बदर भटक रहे हैं सर, इधर से उधर, और बस यही हो रहा है। और सर ये बताते हैं, ये हमें जब पता चलता है कि सचिवालय में हमारी फाइल घूम रही है सर, और हम जब सचिवालय में जाते हैं तो हमारी कोई भी अधिकारी ऐसे ढंग से हमसे ये बात हमारी हमें बताता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस ये कह देते हैं कि कोई अधिकारी तो इतना हमसे इस तरह रूडली बात करता है कि तुम अंदर कैसे आ गए, तुम कैसे मिल रहे हो, नहीं परमिशन नहीं है ये सो, तो मैं सर हम इतने परेशान हैं, हम किसके पास जाएं? मुख्यमंत्री जी को हम 6 बार ज्ञापन दे चुके हैं, मिल चुके हैं, ऊर्जा मंत्री जी से भी हम मिल चुके हैं, उनको भी हम 5-6 बार ज्ञापन, परंतु सर हमारे बस आश्वासन मिल रहा है सर, बस इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा हमको। तो आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कई बार ये ज्ञापन दे चुके हैं मुख्यमंत्री जी से, आप मिले मुख्यमंत्री जी से? मिले आप मुख्यमंत्री जी से? मिल चुके हैं लेकिन अभी भी कोई रिजल्ट इनका नहीं आ रहा, 18 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप थोड़ा आगे आ जाइए, आप भी आगे आ जाइए जी। आपका नाम क्या है? मोनिका चौहान। मोनिका चौहान जी आप कहाँ से हैं? मैं देहरादून से ही हूँ। आप देहरादून से ही हैं, तो क्या लगता है आपको कि सरकार आपके तरह सौतेला व्यवहार कर रही है क्या? सर बिल्कुल भी नहीं सर, हम लोग तो बहुत परेशान हो चुके हैं सर, 18वां दिन हो गया सर हमें धरने पे बैठे बैठे, तो हमारी कोई सूद लेने वाला नहीं है। बाकी सर 2016 से हम लोग भटक रहे हैं इस वैकेंसी के चक्कर में, 5 साल हो गए हैं। बाकी हमें तो ये उम्मीद थी हमारे CM सर से, युवा मुख्यमंत्री है, खुद भी उन्होंने बेरोजगारों के लिए 6 साल तक आंदोलन किया है, लेकिन हमारे मामले में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। CM सर को हम ज्ञापन दे चुके हैं, बाकी हम सचिवालय में ज्ञापन दे चुके हैं, आज भी यहाँ पे यही, यहाँ पे 2 बार आ गए, यहाँ से भी ज्ञापन नहीं लिया गया, 2 बार अच्छा। किसी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही सर। अच्छा। सर हम भी क्या करें, अब हमें गवर्नमेंट ही बताए, हमें कोई रास्ता गवर्नमेंट ही बता दे, क्या करें हम? सही बात है भाई, प्रशासन बताए गवर्नमेंट बताए कि इनको क्या करना चाहिए। जहाँ तक सरकार बात करती है कि 22,000 पद खाली हैं, 2,000-2,500 पद ऊर्जा निगम में खाली हैं, उसके बावजूद भी 102 पदों का रिजल्ट अभी तक अनफ्रिज नहीं किया गया है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं कुछ भाई लोग, हमारे साथ और भी हैं, आप मैडम आप आ जाइए, आप आ जाइए, पहले भी हमने आपका लिया था, अब तो इनका भी एक अजीब सा मामला ये है कि शादी से पहले इन्होंने एग्ज़ाम दिया था और अब इनकी शादी भी हो चुकी है और अब बच्चा भी है आपका, बच्चा भी है, और अब तक भी इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई, इनका रिजल्ट ही नहीं मिला अभी तक जी। कैसा लगता है आपको इतने धरने बैठने के बाद भी आपकी ऐसी स्थिति है? सर आप सोच सकते हो कि हमारी मानसिक स्थिति कहाँ तक है, किस तरीके से खराब है, मतलब घर में बच्चे छोड़ गया और यहाँ पे बैठे, उन्हें किसके भरोसे छोड़ गया है और यहाँ बैठने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो बस हमारी यही है कि हमारा रिजल्ट जारी कर दीजिए किसी भी तरीके से, हम बहुत परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो युवाओं की आंखों में आंसू हैं, अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर ये लगातार धरने पर 18 दिन से हैं, अनशन पे हैं, और किस तरह से ये रह रहे हैं और किस तरह से अपने सारा काम कर रहे हैं, तो प्रशासन को सोचना होगा कि आगे क्या करना है। तो इनकी आवाज़ हम उठाते ही रहेंगे इस तरीके से, तो जुड़े रहिए हमसे और देखते रहे हस्तक्षेप न्यूज़, ऐसे हम आपको आगे अपडेटेड रखेंगे।